Senators, members of the Assembly, Muslim League, Jalo, Nawaz Sharif, the Dawana, Khawatin Wazra, Assalamu Alaikum. नमान बासी पाकिस्तान की नमान आजादी को हासिल किए हुए 72 साल नहीं रख अभी बास भी रख हो गए हैं और आज ये अजीम दिन इमाम आजादी के मौके के ऊपर मैं पाकिस्तान मुस्लिमों के कायद जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अपनी तरफ से और इस नेमत को अल्लाह ताला की बेपाया फजल व करम के साथ जो हमें नेमत उसने अदा की उसका सेहरा हजरत कायद आजम की अजीम लीडरशिप के तले लाखों मुसलमानों जिन्होंने अपना खून का नजराना पेश किया पाकिस्तान के लिए खून के दरिया अबूर किए पाकिस्तान के लिए और लाखों माँ और बहनों के आंचल फटे और बच्चे और बूढ़े और नौजवान रास्ते में शहीद हुए माओं की गोदों में हजारों बच्चों और बच्चियों ने जामे शहादत नोश किया तब जाकर ये अजीम खुदादार मुल्के पाकिस्तान अल्लाह ताला ने हमें इनाम के तौर पर अदा किया। मनुष्य के साथ कश्मीर के अंदर जो दिलखराश वाकयात हो रहे हैं और कश्मीर में हमारे कश्मीरी माए और बहन और बुजुर्ग दिन रात शहीद हो रहे हैं और 5 अगस्त को नरेंद्र मोदी जो कि गुजरात में हजारों मुसलमानों का कातिल है और जो पाकिस्तान के साथ हर वक्त महालड़ाई चाहता है उसने 5 अगस्त को कश्मीर में जो थोड़ी बहुत उनको एहसास था कि एक दिन हम इंशाल्लाह आजादी हासिल करेंगे नरेंद्र मोदी ने 370 और 35A आइन से आर्टिकल खत्म करके अपनी तरफ से कश्मीर पर गासबाना कब्जा मुकम्मल करने का एक बुरा ख्वाब देखा है। मैं ये जानता हूं कि पूरा पाकिस्तान 22 करोड़ आवाम कश्मीरियों के साथ उनके दिल धड़कते हैं और नरेंद्र मोदी को ये खुला पैगाम देना चाहते हैं। जबानी कलामी नहीं लेकिन वक्त आ गया है बुजुर्गों भाई और बहनों फैसले पर अमल करने का वक्त आ गया है। कश्मीर के अंदर जो पाकिस्तान की जो शरद है इसको हजरत कायद आजम ने कहा था कि कश्मीर पाकिस्तान की शरद है उसके ऊपर नरेंद्र मोदी ने शरद पर हाथ डाला है। खुदा की कसम आज 72 में यौम आजादी के ऊपर पेशावर से लेकर कराची तक पूरी कौम को खुदा बुजुर्गो बदतर को गवाह बनाकर इस बात का अहद करना होगा कि जब तक के कश्मीर जो पाकिस्तान की शहर है उससे नरेंद्र मोदी का हम हाथ छुड़वा न लें या तोड़ न दें चैन से नहीं बैठेंगे। बिल्कुल कश्मीर बनेगा पाकिस्तान कश्मीर बनेगा कश्मीर बनेगा कश्मीर बनेगा इसके साथ हमें ये भी ख्याल करना चाहिए और ये सवाल बार बार हम सब
को आंखों में आंखें डालकर पूछता है कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों होने दिया गया। गोकि पाकिस्तान की भद्रतारा तारीख अल्लाह ताला के फजल करम से बास बड़े बड़े अजीम कारनामों से भरी पड़ी है, चाहे वो 1998 में एटमी धमाका हो 28 मई का, और ये सफर जुल्फकार अली भुट्टो मरहूम से लेकर नवाज शरीफ तक तमाम हुकूमतों ने, मुल्क की पूरी आबादी ने, तमाम तबकात ने इसमें हिस्सा डाला। और फिर आखिर 28 मई को नवाज शरीफ की क्यादत में जब बिल क्लिंटन ने कहा था कि नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर आप एटमी धमाका ना करें, मैं आपको 5 अरब डॉलर का तोहफा दूंगा, मियां नवाज शरीफ का जवाब यह था कि शुक्रिया जनाब सदर अमेरिका, मुझे 5 अरब डॉलर नहीं चाहिए, मुझे अपने पाकिस्तान के इज्जत और वकार चाहिए और पाकिस्तान का ऊंचा नाम चाहिए। पांच एटमी धमाकों के मुकाबले में 6 धमाके करके दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए और उसका हाथ हमेशा के लिए चूर चूर हो गया। इसी तरीके से पैट्रियट की जंग किसको याद नहीं, जब हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के ऊपर रात के अंधेरे में छुप कर हमला किया और किस तरह पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान बन गई और अफवाज पाकिस्तान के हर सिपाही और हर अफसर और हर शहरी ने किस तरीके से दुश्मन को ललकारा और अपने खून के नजराने से, जवानमर्दी से और बहादुरी से हिंदुस्तान का वो हमला पसपा किया। और फिर आपने देखा कि अभी फरवरी में दोबारा हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर मेरी एन आम से देखने की कोशिश की, मगर फिर हमारे शाहीनों ने और हमारे जवानों ने फिर हिंदुस्तान का वो हमला पसपा किया और उनका एक जो हवाबाज था पकड़ के उनके हवाले किया कि ये लो। और याद रखो हिंदुस्तान वालों, याद रखो कि तुमने कश्मीर में, मोदी याद रखो कि तुमने कश्मीर में जो जुल्म और ज्यादती का जो एक सिलसिला, ना खत्म होने वाला सिलसिला जारी किया रखा है, इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं जब तुमसे एक एक जुल्म का हम हिसाब लेंगे और पाकिस्तान कश्मीर बनेगा, कश्मीर पाकिस्तान बनेगा और हम कश्मीरियों को उनका हक दिलाएंगे। लेकिन इसके लिए जवानी नहीं, तकरीरों से नहीं, शेरों से नहीं, अमल से हमें साबित करना होगा, उसके बगैर बात नहीं बनेगी। हमारा अगर दामन अमन से खाली होगा और सिर्फ तकरीरों के ऊपर और बातों के ऊपर हम इत्तेफाक करेंगे तो फिर कश्मीरी हमें कभी माफ नहीं करेंगे। कश्मीरियों ने अपना हक अदा कर दिया, कश्मीरियों ने, लाखों कश्मीरियों ने अपने खून का नजराना पेश कर दिया, कश्मीर की वादी उनके खून से सर्फ हो चुकी है और कितनी हम उनसे कुर्बानी मांगते हैं। मैं समझता हूं कि आज हमें प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ नहीं देखना, आज हमें अल्लाह ताला की तरफ देखना है, उससे दुआ मांगनी है, उससे मदद मांगनी है, फिर देखें किस तरह पूरी पाकिस्तानी कौम कश्मीरियों की मदद को आएगी, अल्लाह ताला की मदद को आएगी, अल्लाह ताला की मदद आएगी और जरूर आएगी। लेकिन शर्त यह है कि हमें सच्चे दिल के साथ कश्मीरियों को यह बताना होगा कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, जिंदगी और मौत तुम्हारे साथ है, कश्मीरियों को खुलाना नहीं, ये नरेंद्र मोदी ये कातिल है, हम इसके हिसाब लेंगे। उसके लिए दिन रात मेहनत करनी होगी, कुर्बानी देनी होगी, अमानत और दयानत के साथ। इसी तरीके से जिस तरह मैंने हमेशा कहा है कि जिस तरह मशरकी जर्मनी, जो कि जंगे दौर में जर्मनी से कट गया था और रूस अपने जोरे बाजू से वो मशरकी जर्मनी को जर्मनी से काट कर ले गया था, मगर जर्मनी ने मगरबी जर्मनी में हिम्मत नहीं हारी। जिस तरह जापान भी
सफाए हस्ती से मिटा दिया गया था। इस तरह जर्मनी भी शिकस्त से दुचार हुआ, इतनी हजीमत और इतनी बुरी शिकस्त की तारीख उसको आज भी याद रखती है। लेकिन जर्मन कौम ने हिम्मत नहीं हारी, दिन रात मेहनत की, कुर्बानी, मेहनत, अमानत और दयानत के साथ वो आगे बढ़ते रहे। फिर वक्त आया, फिर वक्त आया मेरे बुजुर्गों भाई और बहनों के, फिर मशकी जर्मनी खुद पके हुए फल की तरह मगरबी जर्मनी की झोली में गिर गया और रूस कुछ ना कर सका, पूरी दुनिया कुछ ना कर सकी और दोनों बिछड़े हुए भाई इस तरह मिल गए कि यकजान दो गायक। वो क्या था, वो एक गोली नहीं चली थी, कोई फौजी वहां पर हमला नहीं हुआ था, दीवारें बर्लिन इस तरह मिसमार हुई गिर गई इसलिए कि दोनों कौमें इस तरह मिलने के लिए तैयार थी और मगरबी जर्मनी की मकनातीसी ताकत, उसकी मानसिक ताकत, खुशहाली, तरक्की, मईशत, उसका इतना शोर था, जोर था, इतनी ताकत थी कि पूरी दुनिया उस दीवार को रोक न सकी। रूस को मिलाकर घुटने टेकने पड़े, बस यही मिसाल हमारे लिए काफी है। मेरे बुजुर्गों भाई और बहनों, अगर हमने कश्मीर को आजादी दिलानी है और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, इस नारी को हमने अल्लाह ताला के फज़्ल करम से अमल करवाना है, तो फिर हमें ट्रंप की मदद नहीं चाहिए, हमें अल्लाह की मदद चाहिए। फिर हमें ट्रंप से पैसे नहीं चाहिए, हमें अल्लाह से मदद चाहिए। फिर हमें ट्रंप का सहारा नहीं चाहिए, हमें अल्लाह का सहारा चाहिए। फिर हमें ट्रंप का ट्रैप कार्ड या ट्रंप कार्ड नहीं चाहिए, फिर हमें पाकिस्तानी कार्ड चाहिए। फिर हमें पाकिस्तानी कार्ड चाहिए, फिर हमें ट्रंप का झांसा नहीं चाहिए, बल्कि फिर हमें अपने ऊपर हमें भरोसा करना होगा, अपने शानों पर भरोसा करना होगा और अल्लाह की मदद के साथ दिन रात मेहनत करनी होगी। खुदा की कसम मैं था कर कहता हूँ, जिसके कब्जे में हमारी जान है, वो फिर वक्त आएगा अगर हम उस रास्ते पर लग जाएंगे, उस तरफ सफर करेंगे अल्लाह के सहारे, अमानत और दयानत के साथ, फिर 5 साल लगे, 3 साल लगे वो अल्लाह जानता है, लेकिन एक वक्त आएगा फिर कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और फिर नरेंद्र मोदी कुछ नहीं कर सकेगा। और इसी मौके और इसी मौके के लिए, इसी मौके के ऊपर और शायद इसी मौके के लिए अल्लामा इकबाल ने ये कहा था और मैंने जो अभी बात की उसका ये निचोड़ है कि वो सदाकत के लिए जिस दिल में मरने की तड़प है, वो सदाकत के लिए जिस दिल में मरने की तड़प, पहले अपने पैकरे खाकी में जान पैदा करे। भाई अगर सदाकत के लिए मरना लड़ना है तो पहले अपने जिस्म में जान तो पैदा करो, वो गैरों की तरफ मत देखो, गैरों की तरफ झोली ना फैलाएं, हम गैरों की तरफ हाथ ना फैलाएं, अपने ऊपर अल्लाह के सहारे, अपने ऊपर पहले अपने सहारे जिए और अपने में ताकत पैदा करें। तो एक बात कहता है कि वो सदाकत के लिए जिस दिल में मरने की तरफ, पहले अपने पैकरे खाकी में जान पैदा करे, फूक डाले ये जमीनों आसमाने मुस्तहार। वो कहता है कि बात सुनो मेरे बुजुर्गों भाइयों और बहनों, आज भद्रवाद यौम आजादी है, इससे बड़ा पैगाम यौम आजादी के ऊपर इलामा इकबाल का नहीं हो सकता, किसी और का नहीं हो सकता। वो कहता है कि फूक डाले ये जमीनों आसमाने मुस्तहार, कि ये जो उधार की जिंदगी है, ओ भाई उधार की जिंदगी है ना, कि कभी हम ट्रंप के पास चले जाते हैं, कभी किसी और के पास चले जाते हैं, कभी किसी और के पास चले जाते हैं। हिंदुस्तान ने ये कब्जा किया, कितने ममालिक आज हमारे साथ खड़े हैं, मां सिवाय चीन और तुर्की के, जिनके हम बेपनाह दिल के दिल से शुक्रगुजार हैं। तो अंग्रेजी में मुहावरा है कि बेगर्स कांट बी चूजर्स, जो भीख मांगते हैं वो अपना रास्ता नहीं बना सकते, जो हाथ उठा सकते हैं वो
वो कभी आजाद नहीं होते। हम नाम के तो आज आजाद है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जब तक के मुआशी आजादी हासिल नहीं करेंगे, खुदा की कसम पाकिस्तान सही तौर पर आजाद नहीं हो सकता। तो इसलिए इकबाल ने कहा कि फूंक डाले ये जमीनों आसमान मुतार, मतलब के ये जो उधार की जिंदगी है, यानी दुनिया में रहते हैं ना, उसने मिसाल दी कि ये जमीन और ये आसमान जो उधार के हैं, इसको पहले फूंक डालो उधार, ये भीड़ इससे जान छुड़ाओ, खत्म करो इसको, फिर देखो। और फिर इकबाल आगे क्या कहता है, ये सुनने वाली बात है कि फूंक डाले ये जमीन और आसमान मुतार और खाकिस्तर से आप अपना जहां पैदा करो। और जो उसकी जो खाक है, जिसको पंजाबी में सवा कहते हैं, सवा सवा कहते ना खाक को, वो कहते जब आप उधार की जिंदगी को आग लगा देंगे और उसको फिर खाक बना देंगे, उस खाक से अपना नई जिंदगी पैदा करो, नया जहां पैदा करो। बुजुर्गों, भाई और बहनों, आज यही पैगाम मैं आपको बताने आया हूं कि हो सदाकत, हो सदाकत के लिए जिस दिन में मरने की तरफ पहले अपने पैकरे खाकी में जान पैदा करें और फूंक डालें ये जमीन और आसमान मुतार और हकीकत से आप अपना जहां पैदा करें, तब कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। मेरी बात याद रखना और इंशाल्लाह जरूर बनेगा, और वो कायद जिसकी अजीम लीडरशिप में ये पाकिस्तान मार्च वजूद में आया और हिंदुस्तान से लाखों करोड़ों लोग हिजरत करके पाकिस्तान आए, इस उम्मीद के साथ, इस उम्मीद के साथ अपनी आंखों में ये उम्मीद, ये ख्वाब बसाए हुए कि आप पाकिस्तान जाएंगे तो हिंदू और अंग्रेज की गुलामी से आजादी हासिल करके पाकिस्तान जाएंगे तो एक अजीम खुदादाद मुल्क पाकिस्तान होगी, जहां पर इंसाफ होगा, जहां पर अदल होगा, जहां पर मेरिट होगा, मेहनत, अमानत और दयानत सिक्का राय के वक्त होगा। अपने दिलों पे हाथ रख के बताओ मेरे बुजुर्गों, भाइयों, बहनों, 72 साल गुजर गए, 72 साल गुजर गए। आज मैं कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता जिससे कि मजीद तफरका पैदा हो, क्योंकि तफरका पैदा करने के लिए जो इस मुल्क के इसमें सरबरा है वही काफी है। मैं आज यौम पाकिस्तान के ऊपर एहसान, मोहब्बत और जनानगत की बात करना चाहता हूं, मगर जो चुपते हुई बातें हैं उनका अगर जवाब हमने ना दिया तो फिर हर चीज का हासिल है कि 72 साल गुजर गए और वो लाखों शहीदों की रूहें वो कब्रों में तड़प रही हैं और पुकार पुकार के पूछ रही हैं, सवाल कर रही हैं कि ए अल्लाह, हमने तो तेरे इस वतन के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया, मगर ये कैसा पाकिस्तान है जहां पर रोटी महंगी है, जहां पर रोजगार खत्म हो गया, जहां पर महंगाई हर तरफ फैल चुकी, मईशत दबा हो गई, इंसाफ माशी माशती न होने के बराबर है। क्या जवाब देंगे हम उन अजीम लाखों शहीदों की रूह को, क्या चेहरा दिखाएंगे हम अपने कायद को, क्या जवाब देंगे हम हजरत रामा इकबाल को, जिनका शेर मैंने भी पढ़ा, और सबसे बढ़कर क्या लेके जाएंगे अपने परवरदिगार के पास, जिसकी अदालत में बहरहाल हमने एक दिन पेश होना है और जवाब देना होगा मुझ समेत कि 72 सालों में हमने पाकिस्तान के लिए क्या कुछ किया। इसलिए मैं समझता हूं कि अंग्रेजी में कहते हैं कि इट इज नेवर टू लेट, यानी हमेशा के लिए ये खत्म नहीं हो गया, देर नहीं हो गई, अभी भी वक्त है कि हम होश के ना खून लें, अभी भी वक्त है कि हम जेर और जबर ना करें बल्कि जमा करें, इकट्ठा करें, कौम की तवानाइयों को मुस्तमय करें और दुश्मन को एक आवाज के साथ हम ललकारें और बताएं दुनिया को कि हम भीख की जिंदगी बसर करने के बजाय मौत को तरजीह देते हैं, भीख को दफन करेंगे और पाकिस्तान का जमीन बनाएंगे। इसके लिए
इसलिए कोई आसान रास्ता नहीं, मेहनत मेहनत मेहनत, अमानत 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 और दयानत दयानत और दयानत। इसके बगैर ये अल्लाह ताला का भी हुक्म है, वो मालिक है, वो मालिक वो चाहे तो वो कंपनियों से वो हाथियों को मरवा दे, ये उसकी शान है भाई, बात नहीं कर देना। वो चाहे तो फिर बगैर बगैर बाप के बेटा पैदा कर दे, ये उसकी शान है, ये उसकी शान है। कुरान करीम गवाह है, जगह जगह उस मालिक की शान बयान करते हुए, लेकिन उसका असूल ये नहीं है, ये उसका प्रिंसिपल नहीं है कि बगैर, हाँ वो मनोसभा भी देता है, ये भी कुरान फरमाता है, लेकिन वो कहता क्या है कि नमाज पढ़ो और जाओ रिज़्क़ की तलाश के लिए। तो बुजुर्गों भाई और बहनों, हमें सिर्फ और सिर्फ कुरान करीम के हदायात और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्वा हुस्ना के ऊपर हमें अगर हम अमल पैदा हो जाए और अमानत मेहनत कुर्बानी और इसार से काम लें, तो फिर एक वक्त आएगा कि फिर हमें दुनिया नहीं मांगनी पड़ेगी, फिर हम इस तरह हाथ करेंगे। और इंशाल्लाह फिर वक्त आएगा कि मोदी सरकार लौटी होगी और हम अल्लाह ताला के फजल करम से हम चढ़ाई कर रहे होंगे और कश्मीर को फतह कराएंगे। लेकिन 72 साल आपने देख लिया कि नारों और मर्सियों और इशार और तकरीरों से, जिस तरह मैं यहाँ पर तकरीर कर रहा हूँ, अगर तकरीर के अंदर अमल नहीं है तो फिर सब कुछ बिल्कुल वक्त का ज़िया है। इसलिए आज 72वें आज़ादी के मौके के ऊपर हमें ये फैसला करना होगा मेरे बुजुर्गों भाई और बहनों कि हमें पाकिस्तान के अंदर मोहब्बत और एहसास को कायम करना होगा। और मैं यहाँ पर किसी वजह से नहीं कह रहा, लेकिन जिन लोगों ने पाकिस्तान के लिए अजीम कारनामे अंजाम दिए, चाहे वो मरहूम ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो हो, चाहे वो नवाज शरीफ हो, जिसने मुल्क के अंदर बिजली के अंधेरे दूर किए, पाकिस्तान को अजीम बनाया, सी पैक लेके आए, आज ये तमाम लोग आज जिंदा में हों, मैं समझता हूँ कि फिर आप कश्मीर का, आप आज़ादी का, आप तराना हमने आज अभी अभी गाया और इन बच्चियों ने किस तरह वो इकबाल की वाह वाह परवर वो पढ़ी कि ला इलाहा इल्लल्लाह। अगर हमने इस पर अमल पैदा होना है तो एक लड़ी में सबको प्रोना होगा, एक लड़ी में हम सबको प्रोना होगा एक दूसरे को, और मिलकर हमें एक अजीम तहरीक शुरू करनी होगी। इसलिए आइए आज के इस अजीम दिन हम सब दुआ करें अल्लाह ताला से, उसकी हजूर दुआ करें कि अल्लाह ताला इस पाकिस्तान को रहती दुनिया तक अजीम बना कर रखना। ए रब्बे जलाल, हमारी जो मुसीबतें हैं मुश्किलात उसको ख़त्म कर दे। ए रब्बे जलाल, कश्मीरियों के खून के बस उनको आज़ादी दिला दे। ए रब्बे जलाल, पाकिस्तान को, पाकिस्तान के हर बशिंदे को, ताजर को, एक वर्कर को, मजदूर को, बेवा को, यतीम को, भाई को, बुजुर्ग को, बच्चे को, आवाज़ पाकिस्तान को मिलकर इतनी ताकत अदा फरमा कि वो कश्मीर की आज़ादी वो नरेंद्र मोदी के छीन कर कश्मीरियों के झोली में डाल दे। ए अल्लाह ताला, पाकिस्तान के अंदर जो मसाइल इनको ख़त्म कर दे। रब ताला हमें एक कौम बनने की तौफीक अदा फरमा, क्योंकि दुश्मन को दुश्मन इस नज़र से हमें नहीं देखता कि इनमें सुन्नी है, देवबंद है या शिया है, दुश्मन हमें बतौर पाकिस्तानी जानता है। इससे हमें पाकिस्तानी बनना होगा और अपने जाती मफादात और जाती हमारे जो लाइक्स एंड डिसलाइक्स हैं उनसे ऊपर उठना होगा और फिर पाकिस्तान के लिए हमें खिदमत करनी होगी, क्योंकि पाकिस्तान की खुशहाली और तरक्की का जो नमूना है, जिस तरह मगरबी जर्मनी ने अपना नमूना पेश किया था पूरी दुनिया को और मशरकी जर्मनी उसकी झोली में आ गई, उसी तरीके से पाकिस्तान के अंदर हमारा जो नमूना मोहब्बत का, तरक्की का, खुशहाली का, जमहूरियत का, आज़ादी का, जब तक कि हम इस नमूने को दुनिया के आगे सामने पेश नहीं करेंगे, कश्मीर की आज़ादी हनूर दूर रहेगी। इसलिए अगर हमने आगे बढ़ना है और पाकिस्तान का हज़रत कायनात का ख्वाब पूरा करना जो हनूर नामुकम्मल है,
और कश्मीरों को आजादी दिलवानी है तो मैं इस शेर पर अपनी बात इकबाल के शेर पर बात खत्म करूंगा कि तमन्ना आबरू की है अगर गुलजार हस्ती है। वो मुसलमानों अगर इज्जत चाहते हो दुनिया के बाग में, गुलजार हस्ती दुनिया के बाग में इज्जत चाहते हो मुसलमानों, तमन्ना आबरू की है अगर गुलजार हस्ती में, तो कांटों में उलझ कर जिंदगी करने की फूल कर ले। फूल कभी कांटे के बगैर पैदा हुआ है? बताओ मुझे, फूल कभी कांटे के बगैर पैदा हुआ है? कपड़ा रुई को पिंजे बगैर भी कपड़ा बना है? बताओ मुझे। तो फिर इकबाल कहता है कि तमन्ना आबरू की है अगर गुलजार हस्ती में, तो कांटों में उलझ कर जिंदगी करने की फूक कर ले, और नहीं निशाने खुद आई चमन से तोड़ कर तुझको, कोई दस्तार रख ले कोई जेबे ढुलो कर ले। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, कायद आजम जिंदाबाद, कायद आजम जिंदाबाद, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, नवाज शरीफ जिंदाबाद, नवाज शरीफ जिंदाबाद, नवाज शरीफ।